नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम इतिहास की वीडियो है ये करने वाले हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बोल दूं, यदि आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन है वो जरूर दबाएं ताकि आप हमारे आगे आने वाली वीडियो है वो भी देख सकें। दोस्तों, आज हमारे यहाँ पे मौर्य काल तथा स्थापत्य है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे और इसकी जो PDF फाइल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, वहाँ से मिल सकते हैं। ये एक बुक का भी यहाँ पे मिलेगा आपको, एक बुक है ये जो बुक जहाँ से मैंने लिए हैं वो बुक भी आप खरीद सकते हैं, उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। मौर्य कला को कितने भागों में बांट सकते हैं? तो मौर्य कला है उसको हम यहाँ पे स्तंभ, स्तूप, वेदिका और गुहा विहार है उसमें बांट सकते हैं। अशोक स्तंभ कहाँ के बलुए पत्थर से बने हुए हैं? तो अशोक स्तंभ है वो आपके चुनार के बने हुए हैं। स्तूप का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद है उसमें मिलता है। बौद्ध परंपरा अशोक को कितने स्तूपों के निर्माण का श्रेय देती है? 84,000 स्तूपों के निर्माण का श्रेय देती है। बौद्ध गया, सारनाथ, पाटलिपुत्र तथा सांची में किसके प्रणाम मिले हैं? वेदिका के। तो ध्यान रख लीजिए आप वेदिका के हैं वो क्या है, बौद्ध गया, सारनाथ, पाटलिपुत्र और सांची में प्रणाम मिले हैं। अशोक ने किस पहाड़ी की गुफा में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ बनाई थी? तो ध्यान रख लीजिएगा बराबर पहाड़ी है उसमें अशोक के द्वारा सुदामा की गुफा और कर्ण चौपड़ है वो बनवाई थी। बराबर पहाड़ियों में किसने लोसम ऋषि तथा गोपी गुफा बनवाई थी? तो ध्यान रख लीजिए बराबर की पहाड़ियों में किसने लोसम ऋषि तथा गोपी गुफा है वो बनवाई थी? तो वो बनाई थी दशरथ ने। मौर्यकालीन स्तंभ चमकदार पॉलिशदार थे, वे किस रंग के बलुआ पत्थर से बने हुए हैं? तो ये पीले दूसरे रंग से बने हुए हैं। तो ध्यान रख लीजिए मौर्यकालीन स्तंभ चमकदार पुलिसदार थे। तो ध्यान रख लीजिए मौर्यकालीन स्तंभ थे वो चमकदार थे, पुलिसदार थे और वे किस रंग के बलुआ पत्थर से बने हुए थे? पीले दूसरे रंग से। पाटलिपुत्र के राजमहल के अवशेष पटना के किस स्थल से मिले हैं जहाँ से 40 पुलिसदार पत्थर के स्तंभ मिले हैं? वो है कुंभहरार से। मौर्य सेना के कितने विभाग थे? मौर्य सेना के आप 5 भाग थे। कौन कौन से थे? पैदल थे, अश्वारोही थे, हस्ती सेना थे, रथ और नौसेना थी। अशोक के किस अभिलेख में युक्त राजयुग और प्रादेशिक नामक पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है? वो तृतीय शिलालेख अभिलेख है उसमें मिलता है राजयुग, युक्त और प्रादेशिक नामक पदाधिकारियों का। मौर्यकालीन की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति थी वो हम जानते हैं। देखिए मेगास्थनीज ने व्यवसाय के आधार पर भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा? तो भारतीय समाज है उसको उन्होंने 7 भागों में बांटा, दार्शनिक, कर्षक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक तथा मंत्री। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में कौन सी प्रथा नहीं थी? वो थी दास प्रथा, यानी भारत के अंदर दास प्रथा का जन्म नहीं हुआ था, भारत के अंदर दास प्रथा है वो नहीं थी मेगास्थनीज के अनुसार, और आपको बताया इनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी? मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका। अर्थशास्त्र के कितने प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है? तो अर्थशास्त्र है उसमें आपको 9 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। तो हम बात करेंगे मौर्यकालीन के राजवंश के बारे में, जिस मौर्य काल के समय जो राजवंश थे उन्हीं सभी के बारे में जानेंगे, सुंग वंश हो या कोई अन्य वंश हो उन सबके। तब तक के लिए अलविदा, नए वीडियो में जानेंगे इनको। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत। हमारे इस वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब चैनल को करके बेल आइकन जरूर दबा देना। PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।